तो दोस्तों, अब जैसे हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है, तो अब हम प्रियंका को लेके चलने वाले। हमने तो फाइनल कर ली टिंकू पे और हमने देख ली, तो अब हम चल रहे हैं वापस को एक और प्रियंका के थ्रू अप्रूव करवाने। ये अप्रूव कर देगी तो हमारी मम्मी ने तो पहले ही अप्रूव कर दी है। अब जैसे अप्रूव करेगी तो मम्मी को लेके हम उसे बुक करने वाले, क्योंकि तो हमारी प्रियंका की दिली चॉइस है कौन सी वाली कार, सनरूफ वाली कार। सनरूफ वाली कार। तो दोस्तों, दो से तीन कंपनियों की कार देखी है अभी, जिसको अगर हम फाइनल करने वाले हैं तो अब आगे आपको उसी कार के बारे में बताएंगे। दो से चार, दो तीन कार अपन देखी अलग अलग कंपनी की, दो अलग अलग कंपनी जिसमें हमने सिलेक्ट करी है, और उन सिलेक्शन में जो सिलेक्ट करी उसका सिलेक्शन उसमें से एक का अभी प्रियंका करेगी और मम्मी करेंगी। तो फिर ले अभी प्रियंका को दिखाने जा रहे हैं, है ना? चलो चलते हैं शोरूम पर। चलो चलते हैं शोरूम पर। प्रियंका ज्यादा एक्साइटेड लग रही है पीछे से। तो दोस्तों, जो गाड़ी हमने सिलेक्ट की थी वो अवेलेबल नहीं थी, बहुत शोरूम में हमने सर्च किया, थोड़ा सिटी से बाहर आए हैं और अब हमें मिल गई है गाड़ी। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द गाड़ी देखने को मिले, और चल रहा है पेपर वर्क जो होता है वो चल रहा है, और मिलते हैं अब नई गाड़ी के साथ आपको फटाफट, आपको गाड़ी के वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे और गाड़ी बुक कर दी। अभी सस्पेंस है, आपको कल पता चलेगा कि हमने कौन सी गाड़ी बुक करी है, और आपको ये मजा आ जाएगा देखने में कौन सी गाड़ी बुक करी है। बहुत डिमांडेबल गाड़ी है और बहुत कॉम्पैक्ट अच्छी गाड़ी है, आपको ये मजा आएगा। और प्रियंका की चॉइस की भी हो गई, है ना? तो दोस्तों, जैसा गाड़ी का भी जो प्लानिंग चल रही है वो ऑलमोस्ट उसके सारे पेपर वर्क तो कंप्लीट कर लिए हैं। एक्चुअली हमने 2 दिन पहले ही गाड़ी को बुक कर लिया था, तो अब आज डिलीवरी का टाइम है। तो फिर मैं अभी आया हूँ यहाँ पे नंदा नगर प्रियंका को लेने। हम यहाँ से जाके जब तक वहाँ पेपर वर्क करेंगे तब तक सभी आ जाएंगे, तो फिर बस बने रहना। अब आप ये गाड़ी का सस्पेंस भी खुलने वाला है। तो ये हमारी ड्रीम कार, ये हमारी कार रेडी हो रही है, ये रेडी हो रही है। और आ जाए पूरे सभी तो हम उसके आगे के प्रोसेस करें, फिर लेके निकले अपनी गाड़ी को। सरप्राइज यही था हमारा। सौरभ बहुत एक्साइटेड है और थोड़े से नर्वस भी है, क्योंकि इनकी फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार लाइफ थी। ये उत्तम और पापा और इधर ये मम्मी भैया आ गए हैं कार में। आ गए आ गए सभी। तुमने अभी गाड़ी आ रही है तो कौन नहीं करना है? नहीं, वो बोल रहे कि बस प्रोसेस हो जाएगी तो फिर कर देंगे सब। हाँ, प्रोसेस में क्या दे? प्रोसेस में अब यही सोरा बोल रही करेंगे। बोतल रखने का भी है। कैसी लगी उत्तम को कार? अच्छी, और सनरूफ भी है। देखो भैया, सनरूफ है उत्तम का फेवरेट, और उसमें एसी भी है पीछे की तरफ। क्या पीछे एसी भी है? पीछे एसी है क्या? पर खड़े होते ना, हाँ, उनको गर्मी नहीं लगेगी। भैया देख रहे हैं कार। तो हमारी गाड़ी डिलीवरी हो चुकी है और ये बाहर आ रही है। एक बात मानना पड़ेगी, जितनी बार भी जितनी गाड़ियों के शोरूम पे गए हैं उतना पोलाइटली बिहेवियर तो यहीं पे मिला है हमें। तो
बताइए कि हमारी वेन्यू ऐसे कैसी लगी आपको, मैं वेबसाइट कैसा लगा वही बताना मुझको, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना और इसका स्पेसिफिकेशन में आपको कोई डिटेल आपको दे दूंगा अगले वीडियो में। आप मुझे बताना कैसा लगा कि हमारा उत्तम बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है। तो दोस्तों अब सबको हमने घर छोड़ दिया नंदन नगर पे, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर पे गाड़ी रखने। और अभी एकदम से याद आया कि हमने जहाँ गाड़ी खरीदी, हमने जहाँ से गाड़ी खरीदी है वहाँ पे अपनी बाइक रखी हुई है, वहाँ तो भूल ही गए थे हम, एकदम से याद आया। तो अभी इसको गाड़ी खड़ी करके हम अपनी बाइक लेने जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर करना, तो शेयर कर दो, शेयर भी कर देना, शेयर कर दो जितने वेन्यू लेना चाह रहे हो। अगर अगर आपकी पहचान में जितने जो वेन्यू लेना चाह रहे हैं, हाँ उन्हें शेयर कर दो, तो उनको शेयर कर देना। हमारी तरफ से आप ले सकते हैं, गाड़ी अच्छी है, बहुत अल्टीमेट है, 5 out of 5 रेटिंग। ग्रेट।